इस वीडियो की शुरुआत में सनसेट से कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे आखिर ये कहाँ की वीडियो है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आज की हमारी ट्रिप है शिमला के लिए। वैसे शिमला को इंडिया का समर कैपिटल भी कहते हैं। यह ट्रिप साथियों हमारी YouTube चैनल DS Travel के माध्यम से है। साथियों अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिल स्टेशन शिमला की। आखिर इसे क्वीन ऑफ हिल क्यों कहा जाता है? वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन शिमला। साथियों यहाँ की आबोहवा मन को छू जाती है, कुछ अलग ही महसूस होता है, आओगे तो खुद पर खुद पता चलेगा। जब भी आप शिमला आओगे तो आप देखेंगे शिमला की ब्यूटी अपने टाइटल क्वीन ऑफ हिल्स को टोटली जस्टिफाई करती है। 1864 में जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था, तब उस टाइम की गवर्नमेंट ने शिमला को इंडिया की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। आजादी के बाद शिमला को कैपिटल बना दिया गया उस टाइम की पंजाब स्टेट का, और उसके बाद शिमला कैपिटल बनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश की। साथियों जब आप शिमला विजिट करेंगे तो आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिमला कैसे पहुंचा जाए। मथुरा से शिमला 580 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, क्योंकि साथियों हमारे यह टूर मथुरा से शिमला के लिए है, तो मेरा बताना होगा मथुरा से ही। शिमला आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, शिमला का रेलवे स्टेशन माल रोड के नज़दीक है, तो सुविधा ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ट्रेन का सफ़र मथुरा से शिमला के लिए 8 से 10 घंटे का होता है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उचित है, क्योंकि उससे जो व्यू देखने को मिलेंगे वो शायद ही कहीं मिले। मथुरा से वाई रोड आप 9 से 10 घंटे में शिमला पहुंच जाएंगे। बहुत ही इजीली और बहुत ही मज़ेदार रोड है। आप अपनी पर्सनल व्हीकल से सफ़र करेंगे तो उसका आनंद कुछ अलग ही मिलेगा। दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश या शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो साथियों हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप शिमला आ चुके हैं तो शिमला में आप किस किस जगह पर घूम सकते हैं। साथियों यहाँ की फर्स्ट लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हैं, द रिच और द माल रोड शिमला, जो यहाँ की फेमस और सबसे सुंदर जगह है। सबसे अच्छी बात तो यह है साथियों, यहाँ किसी भी गाड़ी की एंट्री वर्जित है, इसलिए आप यहाँ के ट्रैफिक और भीड़ भड़क्के से बचते हुए यहाँ के सुंदर नज़ारों के बीच अपने माइंड को फ्रेश करते हुए वॉक कर सकते हैं। आपको माल रोड और रिच के आसपास ब्रिटिश आर्किटेक्चर की काफ़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और रखरखाव के साथ रखा गया है। एक गजब का संगम यहाँ देखने को मिलेगा साथियों आपको। यहाँ पर चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर और मंदिर यहाँ एक साथ देखने को मिलते हैं। इस चर्च के अलावा आपको यहाँ पर कई सारे बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं। इन बौद्ध विहारों में काफ़ी शांति और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। यहाँ आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की पुरानी बिल्डिंग्स के अलावा कई और भी चीज़ देखने को मिलेंगी। विस रेगल लॉज, गवर्नर हाउस, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, ये साथियों शिमला के स्कैंडल पॉइंट हैं और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला शहर कई पहाड़ियों पर बना हुआ है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिए साथियों हम आपको बता दें, महत्वपूर्ण पहाड़ियों में जाखू हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, एलिसियम हिल और समर हिल, ये यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित एक नगर है। यह राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है
और जिले का मुख्यालय भी है। सन 1864 से 1947 भारत की स्वतंत्रता तक यह भारत में ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। साथियों, शिमला लुधियाना से केवल 4 दिनों की पैदल दूरी पर है, पहुंचने में आसान है और भारत के जलते हुए मैदानों के मुकाबले यह बहुत ही स्वीकार्य पनाह साथियों साबित होता है। आप लोग शिमला जाने का प्लान बना चुके होंगे, चलिए शिमला का और मजेदार आनंद लेते हैं। क्या बताएं साथियों, जितना आनंद गर्मियों में आता है ना शिमला में, उतना ही आनंद सर्दियों में आता है। जब बर्फबारी होती है ना, तो यहाँ का आनंद लेने का मजा ही कुछ अलग है। तो साथियों, दोनों ही समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप गर्मी में जाइए या सर्दी में जाइए, मज़ा दोनों ही समय बरकरार है। ऐ खुदा तेरी खुदी, ऐ खुदा तेरी खुदी लाजवाब है, हम मोहताज हैं उस वक्त के, हम मोहताज हैं उस वक्त के, लेकिन वक्त फिर भी हम पर मेहरबान है। शिमला की इन हसीन वादियों को देखकर साथियों मन गदगद हो गया। बहुत ही सुंदर जगह है, बस बयां नहीं कर सकता कि शिमला वाकई कितनी लाजवाब है। चलो चले उस दरिया में डूब जाएंगे, चलो चले उस दरिया में डूब जाएंगे, बीच मझधार में हम कहां संभल जाएंगे, डूबती हुई कश्ती में हम कहां सफर पूरा कर पाएंगे, लेकिन हमें भरोसा है अपने आप पर, हम भंवर से निकलकर भी संभल जाएंगे। ये रात का सीन साथियों बहुत ही मज़ेदार है, या तो मैंने मंसूरी में देखा था या फिर शिमला में देख रहा हूँ। साथियों, जब हम पहाड़ी से नीचे देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे समझो जैसे सितारे जमीन पर आ गए हैं। मेरा मन करता है साथियों मैं शिमला में बस जाऊं, बस शिमला का होकर रह जाऊं, लेकिन साथियों सच बात तो यह है, पारिवारिक परिस्थितियां खींचती हैं और वहीं मथुरा में रहने पर मजबूर करती है। वेरी ब्यूटीफुल, वाओ क्या सीन है साथियों, वाकई बहुत सुंदर है शिमला अपने आप में। साथियों आपसे निवेदन है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमारी मेहनत आप ही के लिए है। आपको हमारी यह वीडियो साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, भूल न जाना साथियों, जरूर बताना। आपको अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए
यूट्यूब चैनल DS ट्रेवल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार साथियों, देखते रहिए शिमला विजिट।